पंजाब की सरकार हड़ताल ते गए मुलाजमान लैके दो टुक स्पष्ट कर चुकी है कि सीधा परचा दर्ज होएगा। तीन शर्त रखिया गई ने, तिने पहरे बयान करते हैं कि किन्नी वड्डी सख्ती पंजाब की सरकार वालों की गई है जिहड़े मुलाजम हड़ताल ते गए ने। सख्ती दे विच सब तो पहले पहरे दे विच लिखा गया है कि जेकर हड़ताल ते मुलाजम जाते नहीं तो ईस्ट पंजाब असेंशियल सर्विसिज मेंटेनेंस एक्ट 1947 के तहत क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन यानी कि फौजदारी परचा दर्ज किया जाएगा। जिहड़े मुलाजम हड़ताल ते जाणगे, सब तो पहली सख्त निर्देश हड़ताल ते गए मुलाजमान दे लई है कि डायरैक्ट परचा दर्ज होएगा, फौजदारी परचा होएगा। क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन का जिक्र इस लैटर च लिखा गया है। तो दूजा जिहड़ा सख्त हुक्म बयान करता है कि जिहड़ा भी मुलाजम स्ट्राइक ते गया उसनू अंडर सस्पेंशन गिनिया जाए, तुरंत प्रभाव नाल उसनू मुअत्तल कर दिता जाए जो मुलाजम हड़ताल ते चला गया। तीजा नंबर कॉलम की कुछ बयान करता है कि जेकर कोई शख्स कोई मुलाजम एबसेंट हुंदा तो उसनू सख्ती दे नाल ट्रीट किया जाए, किसी तरीके की कोई लिहाज ना की जाए। सो तीन जिहड़े हदायतां दित्तियां गईयां ने, वख-वख पटवारी डीसी दफ्तरां दे मुलाजम हड़ताल ते जाण दा मन बना रहे ने। तो दूजे पासे पंजाब की सरकार कह रही है, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि पंजाब दे विच स्टेट सफर कर रही है फ्लड्स तो, पंजाब दे विच हड़ आए हुए ने। दूजे पासे गल नहीं बात नहीं दरिया बिछा लेंदे ने। पंजाब दे चीफ मिनिस्टर मान दा हुणे हुणे बयान आया है कि जिथे जी करदा दरिया बिछा लिया जाए। शुकराना करो, वह उन्हें कलम दिती है, थोड़ी कलम नाल लोगों के चुल्हे बलने चाहिए ने। तो तुसी कलम छोड़ हड़ताल करके लोगों को तंग करोगे। मैं क्या करो, फिर हड़ताल कर लो, अज ही बयान दिता, मैं अज ही ऑर्डर दिता, हड़ताल कर लो, कलम छोड़ हड़ताल। हाँ, उस तो बाद वो कलम तुसी तो छड़ दोगे, उस तो बाद वो कलम किनू देनी है ये फैसला सरकार करूगी। फिर हद है यार, लख लख डेढ़ डेढ़ लख तनखा लैने रोज हड़ताल, आ यूनियन ये हड़ताल, सरकारी कर्मचारी हो, सरकार की नौकरी कर कर रहे हो, कोई मंग है, कोई जायज है, कुछ कोई निजी है, कुछ जायज मंग दसो ना जी। कलम छोड़ हड़ताल, उत्थे की होगा, लोग तंग होणगे, लोग तंग होणगे, फिर भगवंत मान नूं पंगा पऊगा। अच्छा, फिर भगवंत मान नूं पंगा पाउण वास्ते लोगों नूं तंग करोगे, फिर पहली मैं क्यों ना कहदा उन्हां नूं कि भाई आयो ना फिर कलम तो बाद, एक बार कलम छड्ड के दिखाओ तुसीं। फिर